जय श्री राम। नमस्कार, मैं बृजमोहन सूरी आज आपके लिए लेकर हाजिर हूँ 11 एपिसोड, यानी दिवाली से पहले हम 11 दिन उपाय करेंगे। आज से वह शुरू है, आज से आप ये स्टार्ट करेंगे। और यदि आज से नहीं कर पाए हैं, यानी पहले दिन से नहीं कर पाए हैं, तो किसी भी दिन से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं कि ये 11 दिन हम एक तरह से लक्ष्मी माँ की पूजन ही करेंगे, जिसमें सिक्कों का धोना और दीपक का जलाना ये प्रतिदिन किया जाएगा। और साथ में जो मैं उपाय बताऊंगा वो आप करेंगे। जो मैं ग्रहों के उपाय बताता हूँ, बहुत सालों से बता रहा हूँ, प्रतिदिन का उपाय वो अलग से है, वो आप जरूर किया करें, क्योंकि वो आपके ग्रहों को उच्च करता है। ये हमने लक्ष्मी माँ को मनाने का एक प्रयत्न किया है। मैं बृजमोहन सूरी स्वागत कर रहा हूँ आपका आपके इस चैनल में। और मैं दावा करता हूँ कि यदि आपने 11 दिन ये माँ के उपाय कर लिए, तो बहुत अधिक शक्तियाँ आपको मिल जाएंगी, बहुत अधिक लाभ आपको मिल जाएगा, कर्ज मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि इन दिनों में माँ की शक्तियाँ धरती की ओर प्रवाहित होती हैं, इन दिनों में माँ की वाइब्रेशन धरती की ओर प्रवाहित होती है। और पूरे विश्व में सबसे बड़ा यदि दिन है तो दिवाली का दिन है। रोशनी का ये त्योहार आपको बहुत अधिक शक्ति दे सकता है। भगवान राम का ये त्योहार, माँ लक्ष्मी का ये पर्व आपके सभी कर्ज उतार सकता है, आपको हर तरफ से लाभ मिल सकता है, आपके बच्चों को लाभ, पति को लाभ, सुख शांति प्रेम बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हैं। ये 11 दिन दिल से यदि आपने ये उपाय कर लिए तो बहुत अधिक लाभ होगा। मैं कुछ नियम आपको समझा देता हूँ। ये प्रतिदिन का उपाय होगा, यानी जो आज उपाय बताया है उसको आज करना है, आज नहीं कर पाए तो अगले 3 दिन तक कभी भी कर सकते हैं, इकट्ठे भी कर सकते हैं, यानी 3 दिन के उपाय इकट्ठे भी कर सकते हैं। इसी के साथ ये सूर्य डूबने से पहले करने हैं उपाय। इन 11 उपायों में से जो उपाय सूर्य डूबने से पहले नहीं करना होगा उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। आप मुझे फ़ोन मत करें, क्योंकि अभी 3 दिन बाद हमने लक्ष्मी यंत्र बनाने शुरू करने हैं, लक्ष्मी यंत्र का कार्य शुरू हो जाएगा, आप वो लक्ष्मी यंत्र ले सकते हैं। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्मी यंत्र बनने जा रहे हैं, आप अपना लक्ष्मी यंत्र बुक करवा कर ले सकते हैं, या दिवाली के बाद भी ऑर्डर करके आप हमसे ले सकते हैं। क्योंकि ये लक्ष्मी यंत्र दो तरह के होंगे, एक तो 11,000 रुपये का, एक 5,500 रुपये का। जो 11,000 का लक्ष्मी यंत्र है उसमें पूजा बहुत लंबी चलती है, और जो 5,500 का है उसमें दिवाली वाले दिन और अगले दिन, परंतु जो 11,000 वाला है उसमें दिवाली से लेकर 7 दिन तक पूजा चलती रहती है। तो आप अपनी बुकिंग करवा कर ये लक्ष्मी यंत्र हमसे ले सकते हैं, जो कि आपको बहुत अधिक शक्ति देंगे। तो मैं उपाय के नियम बता रहा था कि नियम जो हैं वो सूर्य डूबने से पहले करने हैं। आपके घर में सूतक पातक है तो आप मंदिर वाला उपाय ना करें, आप बाकी उपाय कर सकते हैं। यदि किसी गृहिणी को मासिक धर्म हुआ है तो वो मंदिर वाला उपाय ना करें, बाकी उसी उपाय को दूसरे तरीके से, दान पुण्य करने के तरीके से कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। और ये उपाय जरूरी नहीं है पहले दिन से शुरू हुए हैं तभी करेंगे, कभी भी आपने, जब भी आपने ये वीडियो देख ली, आप शुरू कर सकते हैं। दूसरे तीसरे पांचवें छठे आठवें किसी भी दिन से इसको शुरू किया जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी ज़िंदगी बदलने वाले उपाय हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम भगवान श्री राम का नाम लेकर, माँ लक्ष्मी का नाम लेकर हम शुरू करते हैं पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का सभी उपाय, यानी लक्ष्मी माँ के 11 एपिसोड शुरू करते हैं। तो आइए आज का उपाय बताता हूँ। जय साईं राम। नमस्कार, मैं बृजमोहन सूरी हाजिर हूँ दूसरे दिन का उपाय लेकर। पहले दिन हमने दीपक जलाया और घर में छिड़काव किया था, आज दूसरे दिन का उपाय है। एक बार फिर से बता दूं कि आप चाहे कहीं से भी ये उपाय शुरू करें, कर दीजिए।
जरूरी नहीं है पहले दिन से करने थे, नहीं हुए तो नहीं करने हैं, कहीं से भी कर दीजिए और सूर्य डूबने के बाद ये उपाय नहीं करने हैं। मैंने आपको पहले दिन भी बताया था, जब सूर्य डूबने का उपाय होगा मैं बता दूंगा। दीपक आपने शाम को ही जलाना है, शाम के वक्त आज फिर दीपक जलाया जाएगा, जिसमें आप शुद्ध देसी घी या सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये माँ लक्ष्मी के उपाय हैं जो 11 दिन चलेंगे, आपको बहुत अधिक लाभ देंगे, शक्तियाँ देंगे, और मेरा दावा है कि आपके घर से प्रत्येक प्रकार की दरिद्रता दूर हो जाएगी, प्रत्येक प्रकार के कष्ट मिट जाएंगे। मैं दुआ करता हूँ, किया करता हूँ सदैव, कि प्रत्येक बेटी को सुख मिले, दुनिया की कोई बेटी दुखी ना रहे, दुश्मन की बेटी भी सुखी रहे। बेटियां अपना घर छोड़कर दूसरे घर में जाती हैं तो वहां पर उनको प्रेम मिलना चाहिए, और हमको भी चाहिए कि हम अपनी बहुओं से प्रेम करें। जितना हम अपनी बेटियों की फिक्र करते हैं, हर वक्त अपनी बेटी का नाम जपते रहते हैं, उसी तरह हमें अपनी बहुओं से भी प्रेम करना चाहिए, तभी हमें प्रेम मिलता है, क्योंकि आगे जाकर बहू ही हमारे काम आती है। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ दूसरे दिन का उपाय। एक आपने दीपक जला लिया, और दो सिक्के हमने रखवाए थे, चाहे चांदी के हों चाहे वो कोई आम सिक्के हों, चांदी के हों तो ले लीजिए, लगातार 11 दिन चलेंगे, नहीं तो दूसरे दो सिक्के आप आज फिर पानी और दूध मिलाकर कच्ची लस्सी बना लें, उसमें सिक्कों को धोएं, तिलक करें, धूप अगरबत्ती करें, और घर में एक दीपक जला दें। आज उपाय आपने क्या करना है, जो दीपक जलाना है उसमें दो लौंग और दो इलायची डाल दें, दो लौंग और दो इलायची उस दीपक में डाल दें, और कपूर, थोड़ा सा कपूर लें, उसे जलाएं और अपने पूरे घर में घुमा दें, प्रत्येक रूम में, किचन में, पूजा रूम में, बाथरूम में नहीं, सभी जगह घुमा दें, और इतनी देर में वो आई थिंक समाप्त हो जाएगा, नहीं होता है तो पूजा रूम में रख दें। इससे घर में बहुत अधिक पवित्रता आएगी, और माँ लक्ष्मी की शक्तियाँ जो आपके निवास के बाहर से गुजरने वाली थी अंदर आ जाएंगी। ये ध्यान रखिएगा कि माँ लक्ष्मी की शक्तियाँ गुजर रही हैं, पल पल वो धरती पर आ रही हैं, और हम तैयारी कर रहे हैं कि वो शक्तियाँ हमारे निवास पर आएँ। मैंने बताया था आपको कि यदि आप अपने लाभ को बूस्ट करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि लाभ बहुत अधिक हो, तो फिर आप इन वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इससे क्या होगा, ये मत सोचिए कि इससे ब्रिज मंसूरी को लाभ होगा, नहीं, मेरी वीडियो वैसे भी चल रही है, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि अधिक से अधिक लोगों को ये लाभ मिले, और जब उनको लाभ मिलेगा तो उसका एक हिस्सा आपको भी मिलेगा। तो आप अधिक से अधिक लाभ यदि लेना चाहते हैं तो इन वीडियो का फैलाव अधिक से अधिक कीजिए, इन उपायों को दिल से कीजिए। यदि मासिक धर्म हुआ है तो पूजा वाला यानी मंदिर वाला उपाय ना करें, बाकी दान पुण्य वाले उपाय आप कर सकते हैं। जिन औरतों को मासिक धर्म हुआ है वो आज चीनी चावल का दान कर दें, दीपक वो किसी से भी जलवा सकती हैं, खुद ना जलाएं, घर के किसी सदस्य से जलवा लें, दीपक जलवा लें, और नहीं जलवा सकते तो किसी भी मंदिर पूजा रूम में पुजारी को पैसे देकर कहा जा सकता है कि वो मंदिर में या वहाँ जला लें। तो ये उपाय करने से आपको शक्ति मिलने वाली है। ये दूसरे दिन का उपाय था, माँ लक्ष्मी का यंत्र जो हम तैयार कर रहे हैं, आपको जरूर लेना चाहिए, उसका ऑर्डर करें ताकि आपका वो यंत्र बुक हो जाए और दीपावली के बाद आपको वो मिल जाए। तो अब मैं यहाँ विश्राम लूँगा, कल फिर हाजिर हो जाऊँगा आपके समक्ष तीसरे दिन का उपाय लेकर। ओम।